हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पे, आपके अपने YouTube फैमिली पे। भाई सुबह के बज गए हैं 8 नहीं 7 करीब बजने वाले, और मैं जा रहा हूँ चाचा जान के साथ जिन्होंने मेरा मुर्गी बाड़ा बनाया था। कितने दिन हो गए यार, 22, 23, 24 को बना दिया था, तब से अभी तक मुर्गी नहीं लाया। आज डब्बा लेके सासलिंग की तरफ को जा रहे हैं, वहाँ चाचा जान कल गए थे ढूंढ के लाए। आप देखते कैसे कैसे मुर्गी है, कितनी लाता हूँ। अरे अपने चाचा जान हमेशा अपनी हेल्प बहुत करते हैं, और आज अपने साथ सुबह सुबह चले गए हैं, और दोनों चाचा भतीजा जा रहे हैं ये मुर्गे लेने। बने रहे ब्लॉग में, आगे ले लगा आगे लग, फिर देखो नो की उनछ। ये देखो भाई, उस जगह पहुंच गए जहां पहाड़ों में बहुत होता है, कुछ ना कुछ पत्ते टाइप के चढ़ाए जाते हैं। ये देखो भाई, ऐसे एक यूनिक पत्थर होता है यार, बहुत है। मेरे मामा के घर जाने समय भी और यहाँ भी है। ये देखो 50 का नाटी रखा है, आप पत्ते चढ़ाते हैं बहुत लोग। पहुंच गए बहुत आगे, चार ग्राउंडर्स से आ गया सासलिंग। भाई इतने देर से सफर करने है, बड़े बड़े ढोल ढाल जहाँ पहले भालू रहते थे, अब तो चूहे भी नहीं रहते होंगे। पीछे सुसाइड पॉइंट आए तो दिखाता हूँ, जस्ट मेरे पीछे है आपको, ये है पीछे हो रहा वो। तुम देखो कितना जहर हो रहा है, सुबह सुबह ठंडा, और वो साइड पॉइंट चौक पे ये रहा। कौन गिरा था? हाँ जब मैं आमा था तब बताती थी, बच गया था, मर गया था। अच्छा बच गए थे, साइड पॉइंट ऐसा ही है। आ गए उधर से, पीछे वहां दिखा था साइड पॉइंट, और अभी पहुंच गए भाई भिंड। नीचे है भिंड, जहाँ वहाँ टोटो दिख रहा है भिंड, और इसलिए वहां का नाम होता है जहाँ पानी का स्रोत फूट रहा होता है, यहाँ से सुपोखरा और बजेड़ पानी जाता है। ये भिंड है जहां से मैं पानी पीने जाऊंगा। तो उधर पहले तो दिखता था, बाहर आता था मस्त, आज इस बार कम जैसा दिख रहा है, पर अभी प्यास नहीं लगी। तो मॉर्निंग आने समय वापसी में पक्का जाऊंगा, जहां तक मुझे लगता है, कोशिश करूंगा कि दिखाऊं कहां से आता है वहां पानी, अच्छा स्रोत। नीचे डाउन में दिख रहा है, यह है बजेड़ वालों का फील्ड, और थोड़ी देर में आगे पोखरवटा वाला फील्ड आ जाएगा जो सासलिंग वालों का है, जहाँ वॉलीबॉल के आजकल काफी टूर्नामेंट होते हैं, काफी बहुत देखता हूँ, मतलब मैं ऐसे उसमें मैच वैच खेलने दोस्त लोग जाते तो सासलिंग में थे मैच वाली बात। अभी तक मैं तो घर रहा नहीं, ना यहाँ में भी आ जाता, ज्यादा दूर नहीं बैठता, 3-5 किलोमीटर बैठता होगा मेरे घर से। तेजसा देख लो, तेजसा थोड़ा जंगल का रास्ता है, जंगल का है, पर कोई साथ हो तो कोई डर नहीं है। टॉप पीछे असुचला की जस्ट इधर वाली पहाड़ी, और ये है पीछे गांव, नीचे बजेड़ पूरा भरा भरा दिख रहा है। आप रोड में पहुंचने वाले जस्ट, और पोखरवटा वाले फील्ड में और मंदिर में जस्ट पीछे मेरे दिखाता हूँ एक व्यू। ये रखे भाई रोड में, पहुंच गए हैं रोड में। ये देखो भाई, ये रहा पोखरवटा फील्ड जहाँ वॉलीबॉल मैच खूब होते हैं, मैं और चाचा, और यहाँ टॉप से जाते हो, टॉप इसके साइड हुआ सुरचुआ, और उस पहाड़ी के साइड हुआ मेरा घर। रोड के टॉप की दीवार दिखे हो कुछ, हाँ लाल लाल कलर का पेड़ दिख रहा है उसी के बगल में, ये वाला ये पेड़ साम जो सीधा छोटा पेड़ दिख रहा है। ये जियो का टावर जो सासलिंग में लगा, पहुंच गए सासलिंग। प्यारे यार मुर्गियों की दुकान है भाई, कई ज्यादा है इधर तो, पीछे भी छुपे 5-6। ये लग रहा है मिस कॉल तो आ गया तेरा, 787 है तो आ तो गया यार नंबर। सासलिंग से फाइनली मुर्गियाँ देखी, कितनी ज्यादा थी, पर बहुत महंगी है यार। मैं ला गया आगे, चाचा ले जा रहे, मात्र 4 लाया, बजट इतना ही था, मानी नहीं यार, 800 कह रहे हुए पर पीस, फिर 700 से लाया। कुछ दिन में मुर्गी दे अंडे देने वाली है, 4-5 दिन में अंडे दे देगी बल। अब ले तो आ गया, जैसे होगी देखता हूँ, शौक पूरा करता हूँ। मिल ही नहीं रही थी, जहाँ बच्चे थे वो घर में ही नहीं था, टामा मिल गया, ठीक हो रहा है, अब इनको पालते, अब इनको बोक के घर ले जाता हूँ। भाई पसीना दोनों खुद ही पकड़ने पड़े दोनों हाथ में, क्योंकि हाथ जंगलात में बाढ़ डाल रहे, तो चाचा वहां चले गए, और भाई खुद ही ले जाना पड़ेगा। चाचा ने पहले बोला था, मैंने कहा हाँ मैं ला जाऊंगा, पर अब बहुत भारी हो रहा है यार,
हले लग नहीं रहते, बारे बहुत हिल रहे है। जंगलात भाई कह सकते हैं, जो वन विभाग के अंदर एक जंगल आता है और जो गांव के सरपंच के अंडर होता है, मतलब एक ऐसी जगह जो किसी का नहीं है, वो सबका है। मतलब उसमें बराबर इक्वल पार्ट्स होंगे और सब उसमें से घास। फाइनली घर पहुंच गया, मटर कपड़े भी चेंज कर दिए थे, रोटी ला गया हूँ, डाल दी अंदर। मात्र चार है दिखने की, जैसी भी है ये, एक ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, ऐसी लाए थे आर्मी लेनी कान चलाओ की कर दे। ये मैंने कहा अगरबत्ती जला देने चाहिए शुभारंभ से पहले। ये गोलू, इसके बहुत सारी मुर्गियां, ये मुझे अपना पीओ नहीं दे रहा है, इसके 15-16 मुर्गियां फिर भी मुझे नहीं देते। भाई इसका एक्सपीरियंस ये बता रहा है मुझे कैसे डाल दे चूरा करके, ये और इसको फेंक देना चाहिए, ऐसे खा लेंगे। साफ जगह पर फेंकना पड़ता है। अच्छा साफ जगह, ये तो मैंने कुछ साफ ही, चल खा लेंगे ढूंढ के। आने के बाद भाई बहुत ही काम था, बहुत ज्यादा। ये किनारे पे मिट्टी टिट्टी लगाई, पूरे छेद छेद थे, मिट्टी के थप्पे लगाए, पूरा नीचे लगाया, ऊपर कोने में लगाया। और ये भाई यहाँ पे ये देखो खिड़की में लगाया था, यहाँ पे पूरा बराबर बनाया, गड्ढा था। हेलो गाइस, ये हमारा टाइगर है, टाइगर उधर देख बाबा, इसकी सामत आई अगर इसने मुर्गियों को कुछ किया तो। गुद्दी भी आता है टाइगर, हमारा टाइगर गुद्दी भी आता है देखो। चलो आ गया था जस्ट थोड़ी देर पहले, उसके बाद खाना खाया और फर्स्ट टाइम रोटी डाली थी मैंने पहले, अभी डाला चावल, बढ़िया खा रहे। खा रही है दबा के, दरवाजा लगा लिया है, बढ़िया खा रही है। दरवाजा दरवाजा बंद कर दिया भाई, अब फिर भी सो जाता है, अच्छा खासा चल रही है। अब शाम को एक बार बाहर खोलूंगा, ट्राई करूंगा, टाइगर तो कहीं फॉर्म में है भाई, देखते एकदम मार रहा है साला, सिखाना पड़ेगा। बिल्ली ने अभी तक देखा नहीं है, अब शाम को थोड़ी देर चलाता हूँ, कितना परेशान करती है पता चलेगा। अभी तो आराम से खा रही है, ठीक ठाक है। उठ गया हूँ, बज गए सुबह के 5:30, पानी हानी एक घात भर लिया और पीछे अपनी मुर्गियाँ चल रही है, चरा रहा हूँ। बहुत आफत कर रही है, आ नहीं रही थी, मैं खींच खींच खेल रहा हूँ, पकड़ पकड़ के फेंका है मैंने इनको नीचे, मैंने इनको सही जगह लगा रखा चरने के लिए। और चर रही है, डर रही बहुत है पर धीरे धीरे चर रही है। रिएक्शन सबके सब नीचे, छोटी सी बच्ची से लेके बड़ी बच्ची। आज का लॉग यहीं तक था, बस ये दिखाना था कि भाई हाँ मैं मुर्गियाँ ला गया हूँ, अब आगे कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पे या किसी चीज़ पे बनाई जाएगी, कुछ चल गया जो मेरी डेली लाइफ में उस पर। और वीडियो कैसा था ज़रूर बताना, और एक बढ़िया सा लाइक एक कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब तो भाई पक्का करें चैनल को, और यूट्यूब फैमिली से सहलचंद व्लॉग्स से पक्का जुड़े।